Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 34th important essay, A Water Crisis or the Need to Conserve Water. It is a highly recommended essay for competitive exam and especially for law admission test preparation. So ab isko discuss karte hain. वाटर स्कैर्सिटी और वाटर क्राइसिस से क्या मुराद है कि पानी की किल्लत या पानी की कमी, और ये इस टाइम जो है ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, सिर्फ किसी एक मुल्क या जो स्टेट है उसका प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये ग्लोबल इशू है कि जो पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। और इस टाइम हमें वाटर को कंज़र्व करने की, इसको महफूज करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और जो हमारे प्रॉब्लम्स और वाटर क्राइसिस हैं इनके हमें जो है सोल्यूशंस निकालने चाहिए। अब हम देखते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी से क्या मुराद है। इसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब पानी की किल्लत। और वाटर जो है इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, या वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो वाटर स्कैर्सिटी है ये बहुत से दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर यह बहुत ज़्यादा जो है एक ग्लोबल इशू बन चुका है। बेसिकली जो पानी की किल्लत है ये दो तरह से जो है इसकी वजूहात पाई जाती हैं। सबसे पहले फिज़िकल वाटर स्कैर्सिटी है और देन हमारे पास इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी है। फिज़िकल वाटर स्कैर्सिटी से मुराद है कि जब हमारे पास नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो इस कदर नहीं होंगे कि हम जो है अपने मुल्क के लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। और इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी से मुराद है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी एजेंसीज़ हैं या जो उनकी जो पुअर मैनेजमेंट है वाटर को जो है सेटिस्फाई करने की। और सबसे पहले जो है वाटर का ओवर यूज़, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है ये सबसे बड़ा इशू है पानी की किल्लत का। एज यू ऑल नो दैट कि हमने आज तक सुना है कि पानी को ज़ाया मत करें, तो यही वजह है कि बहुत सा पानी जो है वो डिफरेंट वेज में ज़ाया होता है। जिस तरह बहुत से लोग हैं जो कि अपने टैप्स को ओपन रखते हैं जब वो दान साफ़ कर रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं या इवन जो है अपना मुँह वगैरह धो रहे होते हैं, तो वो पानी को खुला छोड़ देते हैं। इस वजह से हमारा जो है पानी जो है उसकी किल्लत का हमें सामना करना पड़ रहा है। और सेकेंडली जब हमारे पास दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे दरिया हैं, पॉन्ड्स हैं और जो हमारे लेक्स हैं उनमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने से क्या मुराद है कि पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है। इवेपोरेशन जो है ये हम अक्सर बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं। और सेकेंडली जो है नेचुरल डिज़ास्टर, जो हमारे पास कुदरती नागहानी आफात हैं जिनमें सैलाब हैं, ये भी वाटर की जो स्कैर्सिटी है इसकी एक फंडामेंटल रीज़न है। और ये हमारे जो है वाटर पोल्यूशन जो है अनदर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। हम ऑलरेडी पोल्यूशन के ऐसे में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने देखा कि जो हाईली कंटामिनेटेड केमिकल वेस्टेज होते हैं उनको जो पानी में रिलीज़ किया जाता है या ऑयल स्पिल, और जो हमारे मतलब के जो शिप्स होती हैं उनके जो ऑयल टैंकर्स होते हैं जब वो पानी में डूब वगैरह जाते हैं तो वाटर के ऊपर जो है एक ऑयल की लेयर फॉर्मुलेट होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती और इवन कि कॉन्टेमिनेंट से जो है हमारा पानी आलूदा होता है और हमारी जो आबी मखलूक है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है या फिर वो जो है इससे बहुत मुतासर होती हैं। और अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपको पता है कि जो हमारी आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे वाटर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी आबादी को जो है वो इसके डिमांड्स को पूरा कर सकें। और अभी तक जो है लोग इसके बारे में जो है वो केयरलेस हैं और हमारी ज़मीनें भी इसलिए बंजर हैं कि हमारे पानी की किल्लत है। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पानी वगैरह चोरी करते हैं, जो लोग ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर इवेल्यूएट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग कि वाटर जो है हमारे पास इम्प्योर है, और अगर हमारे पास पानी साफ़ पीने के लिए अवेलेबल, साफ़ पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो लोग जो है वो बहुत ही इन्फेक्शस डिजीज़ का शिकार होंगे, विक्टम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस है इसकी बेसिक जो कॉज है वो यही है कि जो लोग जो है इम्प्योर वाटर पीते हैं। और सेकेंडली जो है जो वाटर जब इसकी किल्लत आएगी तो लोग जो है इसको जमा करना शुरू करेंगे, जो कि है वाटर कॉन्टेमिनेशन का जो है एक ज़रिया बन सकता है। और
पानी को जब जमा करेंगे तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज विच लेड्स टू मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेज। और ज़ाहिर बात है जिस तरह हमने डेंगू बुखार के एहतियात पढ़ी और उसमें तदाबीर पढ़ी तो उसमें हम यही कहते थे कि पानी को जो है वो स्टोर नहीं करें, इन पर जो है मॉस्किटोज होते हैं वो ग्रो करते हैं और वहाँ पर ब्रीड करते हैं, मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और पानी की किल्लत की वजह से बहुत से एनिमल जो हैं वो मर रहे हैं, एक्सटेंट स्पीशीज़ बन चुके हैं। और सेकेंडली जो है अगर हमारे पौधे हमें इनफ वाटर उनको नहीं मिलेगा तो वो जो है प्रोडक्शन नहीं दे सकेंगे, दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको जो है किस तरह इसको हम जो है सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए अवेयरनेस है, आगाही देना बहुत अहम है। सेकेंडली हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए इसको महफूज करने के लिए, और जो हमारे शहर हैं उनमें बेहतरीन निकासी का निज़ाम होना चाहिए। और अगर हम बग़ैर किसी भी प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम के तो जो हमारा अगर हम चलेंगे तो जो हमारे एरिया हैं ये बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं उनका शिकार हो जाएंगे। और हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अभी हम कोई भी पानी से हाथ मुँह धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं। और सेकेंडली हमें जो है इंस्टेड ऑफ शावर जो है हमें बकेट यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए। कंक्लूसिवली इसमें हम कहेंगे कि वाटर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन कंट्री, सिर्फ ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि सिर्फ एक जो मुल्क है उसका मसला नहीं है बल्कि ये जो है पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। तो वही हमारे पास कंक्लूजन है कि हमें इसको जो है सेव करने के लिए हमें जो इंसेंशियल स्टेप्स हमने ऊपर डिस्कस किए उनको अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज हमारी आने वाली जनरेशन हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन और वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन और क्वेरीज, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी वाया फॉलोइंग सोर्सेज, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टिप्स लॉ अकेडमी एंड टीम फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट एंड लॉ गेट प्रिपरेशन वाया फॉलोइंग सोर्सेज। You can visit us online www.tipslawacademia.com. Thank you so much, kind regards. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.